ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर गुरुवार के दिन कुछ हल्दी के उपाय कर लिए जाएं तो जीवन के हर क्षेत्र में बेशुमार सफलता मिलती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए खास है। इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हल्दी के कुछ उपाय करने से बहुत लाभ होता है। हिंदू धर्म में हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से माना गया है। इन दोनों की ही कृपा से जिंदगी में शुभ फल मिलते हैं, भाग वृद्धि होती है। यदि भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की कृपा ना हो तो तमाम कोशिशों के बाद भी जीवन में सुख समृद्धि नहीं रहती। इनकी कृपा से कुंडली की कई ग्रह दोष दूर होते हैं और हर क्षेत्र में सफलता पाने की राह आसान हो जाती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका संबंध गुरु ग्रह से है। आज हम हल्दी के कुछ ऐसे उपाय जानते हैं जिन्हें गुरुवार को करने से जिंदगी, समृद्धि और खुशहाली सब आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं हल्दी की बहुत ही असरकारी उपाय। गुरुवार के दिन पूजा करते समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगा लेने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और हर काम में सफलता देता है। गुरुवार को नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना नौकरी व्यवसाय में लाभ कराता है, साथ ही आय को भी बढ़ाता है। घर की बाहरी दीवार और मेन गेट पर हल्दी की रेखा बना देने से घर में नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। केले के पेड़ पर हल्दी का तिलक लगाकर जल चढ़ाएं तो इससे विवाह संबंधी मुश्किलें हल हो जाती हैं। यदि आप गुरुवार के दिन हल्दी का दान करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और गुरु ग्रह से जुड़े दोष भी दूर हो जाएंगे। आपको करियर में कोई समस्या आ रही है तो पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर स्नान करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, समस्याओं का समाधान होगा, तन एवं मन भी शुद्ध रहेगा। यदि बिजनेस आपका मंदा चल रहा है तो उसमें उन्नति के लिए आप बुधवार को काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर घोल दें, फिर उससे तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं, नियमित रूप से पूजा करें, धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी और बिजनेस में उन्नति होगी। गुरुवार के दिन पूजा के समय गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएं, स्वयं भी लगाएं। ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है।